हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे बेलनाइ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के एक और लेक्चर में। आज हम जानने वाले हैं कैसे हम किसी भी सॉन्ग की कॉर्ड्स को बना सकते हैं, चाहे हमें सॉन्ग को कवर के लिए यूज करना हो या फिर किसी रीमेक के लिए। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कॉर्ड क्रिएशन सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो पहली दूसरी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपकी तीसरी वीडियो इजीली समझ आ सके। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे हम किसी भी सॉन्ग की कॉर्ड्स को बना सकते हैं बेलनाइ एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में बैंडलैब एप्लीकेशन को खोल लेना है। एप्लीकेशन खोलने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बॉटम में आपको कुछ ऐसे पांच आइकन्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो सेंटर में जो प्लस वाला आइकन है आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसी कुछ विंडो हमें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रैक टाइप की हेडिंग के नीचे एक इंपोर्ट फाइल का बॉक्स देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको सिंपली इंपोर्ट फाइल के इस बॉक्स पे क्लिक करके उस फाइल को या फिर उस सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेना है जिसकी कॉर्ड्स आपको बनानी है। तो मैं भी यहाँ पे एक सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेता हूँ बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मुझे कॉर्ड्स बनानी है। हम स्टार्टिंग एक बेसिक सॉन्ग से करेंगे, जिसके लिए मैं अपने पहले एग्जाम्पल में अकिया सॉन्ग को लेने वाला हूँ, जिसे मित्राज ने गाया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अकिया लिख के फाइल को सर्च कर लेता हूँ और उसे फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर। तो ये रहा मेरा वो सॉन्ग, सिंपली मैं इस पे करता हूँ एक टैप, और टैप करने के बाद ये इंपोर्ट हो जाता है मेरी बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर। और इसी के साथ हमारा पहला स्टेप होता है पूरा, जिसमें आपको इंपोर्ट करना था उस सॉन्ग को जिसके आपको कॉर्ड बनानी है। इंपोर्ट करने के बाद आपका अगला स्टेप ये रहेगा कि जिस भी सॉन्ग को आपने बैंडलैब एप्लीकेशन में इंपोर्ट करा है, आपको उसकी की या फिर स्केल ढूंढनी है। पहला तरीका किसी भी सॉन्ग की या स्केल ढूंढने का ये है कि सिंपली उसे इंपोर्ट कर लीजिए बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आपको ऊपर सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके रिवीजन की का बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे आपको जो की देखने के लिए मिल जाएगी, वही की हमारे सॉन्ग की स्केल होती है। दूसरा तरीका किसी भी सॉन्ग की स्केल या की फाइंड आउट करने का ये है कि मैं अपने फोन में क्रोम ब्राउजर खोल लूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा अपने सॉन्ग का नाम, जो कि है अखियां मित्राज, और लास्ट में मैं जोड़ दूंगा की, बस की लिख दूंगा मैं KEY, और सर्च के आइकन पे कर दूंगा सिंपली क्लिक। इसके बाद मेरे सामने ऐसे कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसमें जो पहली वेबसाइट, मैं सिंपली इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लोड होने में लेता है, उसके बाद मेरे सामने ऐसी कुछ वेबसाइट खुल जाती है। इसमें मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा डी मेजर की। तो यही मेरी स्केल है इस अखिया मित्राज सॉन्ग की। और इसी के साथ हमारा सेकेंड स्टेप भी होता है पूरा, जिसमें हमें स्केल या की ढूंढनी थी हमारे इंपोर्टेड ट्रैक की। अब आगे हमें करना यह है कि जो भी हमें स्केल या की पता चली अपने सॉन्ग की, उस स्केल के अंदर के 7 नोट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने पिछले लेक्चर में दो तरीके जाने जिनके थ्रू हम स्केल के अंदर के नोट्स को फाइंड आउट कर सकते थे। पहला तरीका था सर्कल ऑफ फिफ्थ और दूसरा तरीका था गूगल की मदद लेना। मैंने सर्कल ऑफ फिफ्थ की मदद से कैसे हम किसी भी स्केल के नोट्स को फाइंड आउट करें ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था, इसलिए हम इस बार गूगल की मदद लेने वाले हैं स्केल के अंदर के नोट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम अपने फोन में क्रोम ब्राउजर खोल लेंगे, उसके बाद हम सर्च बार में हमारी स्केल या फिर जो हमारी की निकली वो एंटर करेंगे। जैसे मेरे सॉन्ग की स्केल निकली डी मेजर, तो मैं यहाँ पे सिंपली डी मेजर लिख देता हूँ और स्पेस देके मेरे को लिखना है स्केल, और फिर सीधा सिंपल मेरे को सर्च के आइकन पे कर देना है क्लिक। थोड़ी देर लोड होने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे डी मेजर स्केल लिख रखा है और नीचे आपको अलग अलग तरीके के नोट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, जैसे DE, F#, G, A, B, C#। तो ये टोटल 7 नोट्स हैं मेरे, और हर एक स्केल के अंदर हमारे होते हैं 7 नोट्स। तो यही वो नोट्स हैं जो हमारी डी मेजर स्केल के अंदर है। बस कुछ इसी तरीके से आपको भी आपकी स्केल के अंदर के सारे नोट्स फाइंड आउट कर लेने हैं और उसे नोट डाउन कर लेना है किसी पेपर पे या किसी जगह पे। इसके बाद आपने जिस भी सॉन्ग को बैंडलैब एप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट करा है, उसे आपको 2-3 बार प्ले करके सुन लेना है, और उसके बाद आपको दो चीजों का पता लगाना है। पहला कि हमारी जो कॉर्ड है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बज रही है, और दूसरा कि हमारी कॉर्ड कहाँ कहाँ पे बज रही है। तो चलिए एक दो बार इसको प्ले करके सुन लेते हैं छोटा सा पोर्शन इस सॉन्ग का। एक बार और इसको प्ले करके सुन लेता हूँ स्टार्टिंग से। तो जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो हमारी कॉर्ड थी इस सॉन्ग में, ये पियानो से बन रखी थी, और एक तो ये कॉर्ड यहाँ कहीं पे लग रखी थी हमारी स्टार्टिंग पे, ये, और थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाके भी यहीं कहीं पे एक और कॉर्ड बज रही थी, ये वाली, और एक आगे जाके भी थी इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे। प्ले करके सुनते हैं एक बार और, और एक इससे आगे जाके आगे यहाँ कहीं पे थी। प्ले करके सुनते हैं एक बार, ये री इसकी पोजीशन यहीं से स्टार्ट हो रही है कॉर्ड। एक बार दोबारा से सुनते हैं।
और एक और कॉर्ड जो कि इससे आगे जाके हमें इसके बाद देखने के लिए मिल जाती है, ये मिलाले के बाद जो बजी ना ये। तो ये तो बात हो गई एक छोटे से पोर्शन के लिए हमने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ पे कॉर्ड है। देखो पहली कॉर्ड तो थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाली जो कॉर्ड थी हमारी वो थी यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाली कॉर्ड। और जो हमारी थर्ड वाली कॉर्ड थी वो थी हमारी यहाँ पे, ये। तो इसकी पोजिशन है ये री, ठीक है। फोर्थ वाली की बात करूँ मैं तो फोर्थ वाला यहाँ पे कहीं था, ये रहा इसकी पोजिशन, यहाँ से बज रहा है। और ये लास्ट वाला जो यहाँ पे से बज रहा था, बस कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी दो चीज़ें कर लेनी है। पहला ये पता करना है कि जो आपकी कॉर्ड है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजी है, या तो पियानो या फिर गिटार। और दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप लोगों को सुन के देख लेना है कहाँ कहाँ पे हमारी कॉर्ड लगी है, उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद अब हमें जैसे पता लग ही चुका है कि जो हमारी कॉर्ड है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजी है, या तो पियानो या फिर गिटार, बस उसी अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में। मेरे केस में जैसे आप लोगों ने देखा कि जो कॉर्ड थी वो पियानो से बज रखी थी, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ इम्पोर्टेड ट्रैक के नीचे प्लस वाला आइकन पे करूँगा सिंपली क्लिक। इसके बाद यहाँ पे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट वाले ऑप्शन पे करूँगा क्लिक। मेरे सामने ऐसे कुछ विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे हेडिंग को करूँगा स्क्रॉल, और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कीबोर्ड वाली हेडिंग जो कि ये रही मेरी। मैं सिंपली इस पर करूँगा क्लिक, तो मुझे अलग अलग वेराइटी के पियानो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पे पियानो को प्ले करके सुन लूँगा, और जो भी पियानो मुझे अच्छा लगता है या फिर जो क्लोज टू साउंड करता है मेरे सॉन्ग के पियानो के जैसे, मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लोफी पियानो पसंद आया, ये क्लोज टू साउंड कर रहा है जो कि मेरे सॉन्ग में साउंड कर रहा है पियानो उसके साथ, इसलिए मैं सिंपली इस पे करूंगा क्लिक और इसे ऐड कर लूंगा हमारे प्रोजेक्ट में। आपको भी कुछ इसी तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को सुन के देख लेना है, और जो इंस्ट्रूमेंट आपको लगता है कि ऑरिजिनल की तरह मैच हो रहा है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब हम सिंपली इस इंस्ट्रूमेंट की खोल लेंगे कॉर्ड शीट। तो कॉर्ड शीट खोलने के लिए आपको सिंपली इस आइकन पे करना है नीचे क्लिक, और फिर आपके सामने ऐसे कुछ विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस विंडो को हम कहते हैं कॉर्ड शीट, और इसी में आपकी मेलेडी, कॉर्ड या फिर कोई ट्यून बनती है। अब हम इस कॉर्ड शीट में कुछ काम करने स्टार्ट करें उससे पहले हमारा एक स्टेप रह रहा है, वो स्टेप ये है कि जो भी सॉन्ग हमने इम्पोर्ट करा है उसकी जो भी कॉर्ड्स हैं उसे हमें डिटेक्ट करना है इस कॉर्ड शीट में, और सही पोजिशन ढूंढनी है हमें उन कॉर्ड्स की, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमें अपनी कॉर्ड कहाँ पे बनानी है इस कॉर्ड शीट में। इसके लिए आपको नीचे एक प्ले का बटन देखने के लिए मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, आप सिंपली इस प्ले के बटन पे क्लिक करके सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं इस कॉर्ड शीट में कि वो कहाँ पे लग रखा है कुछ इस तरीके से। और पॉज करने के बाद अगर आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका पॉइंटर होगा ये आपका स्टार्टिंग पे आ जाएगा एकदम, फिर आप दोबारा से प्ले करके सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार और सुनते हैं, तो सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पहले कॉलम में ही कहीं पे लगी हुई है मेरी कॉर्ड एकदम शुरुआत में इस कॉर्ड शीट के। आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने सॉन्ग की पहली कॉर्ड की पोजीशन ढूंढ लेनी है कॉर्ड शीट में। अब चलो हमें इतना तो पता चल चुका है कि हमारी जो कॉर्ड है वो कहाँ पे बनेगी या कहाँ पे लगेगी, पर एक सवाल जो अभी भी है वो ये कि कॉर्ड में क्या क्या नोट्स होंगे हमारे और कैसे हम कॉर्ड्स के सही नोट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपको ध्यान हो तो कॉर्ड क्रिएशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको स्केल या फिर की फाइंड आउट करने के लिए बोली थी अपने सॉन्ग की, और साथ ही साथ उस की या फिर स्केल के अंदर के 7 नोट्स भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो बस अब वो 7 नोट्स ही हमारे काम आएंगे, वही हमारी मदद करेंगे कॉर्ड क्रिएशन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो नोट्स कैसे हमारी मदद करेंगे कॉर्ड बनाने में, तो इसके पीछे का सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी हमारे 7 नोट्स हैं हमारी स्केल के, बस उन्हीं नोट्स की मदद से हमारी पूरे सॉन्ग की कॉर्ड्स बनेगी। हमारा काम होगा सही नोट्स को डिटेक्ट करना और उन्हें सही जगह पे लगाना। तो अब हम कॉन्सेप्ट तो सारा जान चुके हैं, फटाफट इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे करके हम सही नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस कॉर्ड शीट में आगे का काम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा से अपनी की या स्केल बता देता हूँ सॉन्ग की। तो मेरे सॉन्ग की या स्केल थी डी मेजर, और इस स्केल के 7 नोट्स आपको आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब हम इस कॉर्ड शीट में कुछ भी काम स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक काम और करना है, वो काम ये है कि हमें इस कॉर्ड शीट में कोई भी एक ऑक्टेव को चूज कर लेना है। ऑक्टेव को चूज करने से मेरा सिंपली सा मतलब ये है कि आपको बस एक दिमाग में सेट कर लेना है कि मैं इसी ऑक्टेव में कॉर्ड्स या फिर नोट्स बनाऊंगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑक्टेव आपके लिए बेस्ट रहेगा कि सॉन्ग के साथ जो मैच करे, तो इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप कोई भी एक ऑक्टेव सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कॉर्ड्स या फिर नोट्स बनाने के बाद अगर आपको वो नोट्स या फिर कॉर्ड्स हाई साउंड कर रहे हैं, मतलब हाई ऑक्टेव के लग रहे, तो आप अपना ऑक्टेव लो कर सकते हैं, ठीक है, उन सारे नोट्स या फिर कॉर्ड को नीचे ला सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपका जो ऑक्टेव है वो आपको लो साउंड कर रहा है तो आप सारे नोट्स या फिर कॉर्ड्स को पकड़ के ऊपर वाले ऑक्टेव में ला सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं C3 ऑक्टेव को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि C4 ऑक्टेव के नीचे होती है, और अगर सही ऑक्टेव नहीं हुआ तो हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं।
आपको भी कोई एक ऑक्टेव अपने लिए चूज कर लेना है सॉन्ग के अकॉर्डिंग। इसके बाद जहाँ पे हमारी पहली कॉर्ड की पोजीशन होगी ना, वहाँ पे हम एक एक करके जो हमारे 7 नोट्स हैं इनको प्लेस करेंगे, ठीक है, और फिर सुन के देखेंगे कि वो जो हमारा एक नोट है वो ऊपर वाले सॉन्ग के साथ ब्लेंड हो रहा है या फिर मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर ब्लेंड होता है, मिक्स होता है अच्छी तरीके से, तो मतलब सही नोट है। अगर नहीं होता सही से, थोड़ा सा भी हमें लगता है सुनने में कि ना यार ये सही नहीं लग रहा, तो मतलब वो सही नोट नहीं है। ये रहा हमारा C3 ऑक्टेव जिसमें मैं अपने सॉन्ग की नोट्स या फिर कॉर्ड्स बनाने वाला हूँ। इस C3 ऑक्टेव में मैं अपने स्केल के 7 नोट्स को एक एक करके प्लेस करके देखूंगा और चेक करूंगा कि कौन सा नोट मेरे ऊपर वाले सॉन्ग के साथ ब्लेंड हो रहा है। तो जो सबसे पहला नोट है जिसे मैं ट्राई करने वाला हूँ वो है डी, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, डी पे एक नोट लगाता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा के मैं इतनी कर लेता हूँ, और अब चेक करते हैं कि नोट ऊपर वाले सॉन्ग के साथ ब्लेंड होता है कि नहीं। एक बार और अच्छी तरीके से सुन के देख लेते हैं। तो अगर आपने एयरफोन लगा के एकदम ध्यान से सुना होगा तो ये नोट एकदम ऑफ साउंड कर रहा था ऊपर वाले अपने सॉन्ग के साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये वो सही नोट नहीं है। अब हम अपनी स्केल का अगला नोट ट्राई करके देखते हैं जो कि है ई। तो मैं सिंपली इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ ई पे, अब सुन के देखता हूँ। ये नोट भी एकदम साफ चमक रहा था ऊपर वाले सॉन्ग के साथ, ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो ये नोट भी सही नोट हमारा नहीं है। अब मैं अगला नोट एक बार ट्राई करके देखता हूँ अपनी स्केल का जो है एफ शार्प। अब इसे भी एक बार प्ले करके सुन लेते हैं कि ये ब्लेंड होता है नहीं होता। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना तो कुछ हद तक ये नोट भी ऑफ जा रहा है, ये ब्लेंड नहीं हो रहा हमारे सॉन्ग के साथ। और अभी मैं फाइनल डिसीजन बनाऊंगा नहीं, अभी मैं अगले नोट की तरफ बढ़ता हूँ स्केल के, और उसे भी ट्राई करके देखता हूँ जो कि है जी। और अब प्ले करके सुनते हैं फिर से एक और बार। तो ये भी मुझे वो परफेक्ट नोट नहीं लग रहा जो कि हमारे सॉन्ग के साथ ब्लेंड होगा, तो इसीलिए मैं अब अपने अगले नोट की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि है ए। इस पे सुन के देखते हैं एक बार कैसा साउंड कर रहा है। ये नोट भी हमारे ओरिजिनल सॉन्ग के सामने एकदम अलग से उभर के आ रहा है, तो ये भी हमारा वो नोट नहीं हो सकता। अब हम बी नोट भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं जो कि लास्ट है ऊपर की तरफ। अब ये नोट एकदम परफेक्ट एग्जांपल था उस नोट का जो कि हमारा एकदम अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सॉन्ग के साथ। अभी स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज हो गया था और मुझे लगा कि एफ शार्प शायद वो परफेक्ट नोट है हमारे सॉन्ग का, पर जैसे जैसे मैंने बाकी नोट चेक करे तो मुझे बी अब परफेक्ट नोट लग रहा है, ठीक है, इससे परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे। बाकी हमारी स्केल का एक नोट बच गया जो कि सी शार्प, तो इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। मैं सी शार्प लगा के इसको सुन के देखता हूँ। ये नोट वो नहीं हो सकता क्योंकि लो और अलग ही साउंड कर रहा है जो कि सॉन्ग के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो बस मेरी स्केल के 7 नोट्स में से जो बी नोट था वो ऊपर वाली कॉर्ड के नोट के साथ एकदम सही तरीके से सिंक हो रहा था, ब्लेंड हो रहा था, इसीलिए अब मैं इसे करता हूँ फाइनल। और अब हम बात करते हैं कि आगे के क्या स्टेप है, आगे हम क्या करेंगे। तो स्केल के 7 नोट्स में से आपको एक परफेक्ट नोट फाइंड आउट करना है जो कि ऊपर वाले सॉन्ग के साथ ब्लेंड हो रहा हो। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको मेजर और माइनर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना है उस नोट का, और आपको सुन के चेक करना है कि कौन से आपकी मेजर या फिर माइनर कॉर्ड कौन सा अच्छा साउंड कर रही है ऊपर वाली कॉर्ड के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बी मेजर कॉर्ड बना लेता हूँ जिसके लिए मैंने 1/4/3 का प्रिंसिपल यूज करा। अब नेक्स्ट मैं इसे प्ले करके सुनूंगा और चेक करूंगा कि ऊपर वाले सॉन्ग के साथ ब्लेंड होता है, मिक्स होता है अच्छे से या नहीं। तो बी मेजर सही साउंड कर रही थी, पर एकदम ब्राइट या फिर कूल साउंड कर रही थी, मतलब चिल वाइब्स दे रही थी, जबकि लोफी टाइप का सॉन्ग है। तो मैं इसका एक बार माइनर कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके देख लेता हूँ जिससे मैं बीच वाला जो मिडल नोट है इसे एक नोट नीचे ले आऊंगा जो कि डी शार्प पे, तो मैं इसे डी पे ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरा बी माइनर कॉर्ड। और अब इसे भी सुन के देख लेते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। तो बी मेजर के मुकाबले में मुझे बी माइनर कॉर्ड ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि बी मेजर ज्यादा ब्राइट थी और ये सॉन्ग लोफी टाइप का हमारा। तो बस आपको भी कुछ इसी तरीके से मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन ट्राई करना है और सुन के देखना है कि आपके सॉन्ग के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करें इस कॉर्ड की लेंथ की, तो सिंपली मैं इस सॉन्ग को प्ले करके देखता हूँ और सेकेंड कॉर्ड हमारी कहाँ पे लग रखी है वो देखता हूँ। तो यहीं कहीं पे लगी मुझे, यहाँ पे इधर की तरफ यहाँ पे कॉर्ड लगी हुई लगी मुझे, एक और बार प्ले करके सुन लेता हूँ। तो इधर की तरफ है हमारी ये सेकंड कॉर्ड, यहाँ पे फिर से सुन के देख लीजिए। तो सेकंड कॉर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद अब मैं करूँगा ये कि जो मेरी पहली कॉर्ड की जितने भी नोट्स है इनकी मैं लेंथ बढ़ा के इसको जहाँ तक मेरी सेकंड कॉर्ड स्टार्ट होगी जहाँ से वहाँ तक मैं इसकी लेंथ कर लूँगा। तो एक साथ इन नोट को मैं कुछ इस तरीके से करूँगा सिलेक्ट। इसके बाद एक बार मैं बाहर की तरफ खाली पोर्शन पर करूँगा क्लिक। अब किसी भी एक नोट की तरफ टैप करके उसको मैं इधर तक खींच के ले आऊँगा, ठीक है,
तो इतनी चाहिए मुझे, एक बार प्ले करके सुनता हूँ। तो बस यहीं पर ही है वो अगला नोट हमारा, तो हमने सही लगा रखी है लेंथ, तो एक बार बाहर की तरफ आप क्लिक कर देना तो हाइलाइटेड नोट्स हमारे हट जाएंगे। अब इस पोजीशन पे हम अपनी सेकंड कॉर्ड बनाने वाले हैं, तो सेकंड कॉर्ड के भी हमें नोट्स पता नहीं है, तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले करा, सबसे पहले इस बार मैं शुरुआत करूंगा सी शार्प वाले नोट से, क्योंकि मैंने पहले सी शार्प वाले को भूल गया था लास्ट में। तो सिंपली यहाँ पे मैं रखता हूँ सी शार्प वाला ये नोट इधर, अब एक बार प्ले करके सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। तो ये नोट तो एकदम मरियल और बेकार साउंड कर रहा है, तो ये नोट तो पक्का है नहीं। तो डी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, डी नोट भी ऐसे ही था, मतलब इतना भी मरियल नहीं था, पर ये नोट भी नहीं है वो। तो अब ई ट्राई करके देखता हूँ, ई को एक बार और सुन के देख लेते हैं। हाँ, अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, तो हमारे जो नोट की साउंड है वो और अच्छी हो रही है। तो अगला नोट ट्राई करके देखता हूँ मैं, एफ शार्प, ये भी ठीक था पर ये कहीं ना कहीं ऑफ है, क्योंकि उभर के आ रहा है अलग ही। अगला नोट भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ अगला कैसा साउंड करता है, जो कि जी। तो इसको उठा के मैं एक ऊपर लेके आ जाऊंगा, अब सुन के देखता हूँ। ना ना, ये तो ऑफ ही साउंड कर रहा था, एक और बार सुनो। अगर अभी आपको दिक्कत हो रही होगी डिटेक्ट करने में कि भाई कौन सा ऑफ साउंड कर रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ, ये नोट एकदम सही साउंड कर रहा था, एक और बार सुन के देखते हैं इसको। तो ये थोड़ा सही साउंड कर रहा था, अब एक बार बी भी ट्राई करके देख लेते हैं हम बी कैसा साउंड कर रहा है। तो बी भी उभर के ही आ रहा है, और बी मैंने पहले ही यूज करा, तो इसलिए बी वो नोट नहीं हो सकता। तो इनमें से मेरे को ए नोट सही लगा, तो सिंपली मैं इसको ए पे ले आता हूँ। एक और बार मैं आपको इसे सुना के दिखा देता हूँ, एकदम अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ ऊपर वाले सॉन्ग के साथ। अब हम इसका मेजर माइनर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं। तो वही 1-4-3 वाला प्रिंसिपल, 1-2-3-4 ये वाला, 1-2-3 ये वाला, ठीक है। अब मेजर बन गया, एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको कैसा साउंड कर रहा है, एक बार और सुन के देख लेते हैं इस मेजर कॉर्ड को। तो मेजर कॉर्ड तो सही लग रही है, एक बार माइनर भी सुन के देख लेते। तो इसके लिए मैं सिंपली सी शार्प वाले नोट को C4 पे ले आऊंगा, सी पे ले आऊंगा, सुन के देखते हैं एक बार। अब इसने इसे ऑफ बना दिया, अब ये वो कॉर्ड नहीं है जो ऊपर यूज हो रखी है। तो बस इसीलिए मैं इस नोट को दोबारा से बना देता हूँ मेजर, इसको उठा के ऊपर की तरफ रख दूंगा, अब सुन के देखते हैं। और इसी के साथ हमारी एक और कॉर्ड बन के तैयार हो चुकी है। अब इसकी लेंथ भी देख लेते हैं कि कहाँ तक ये इसकी लेंथ हमें एक्सटेंड करनी है। तो अब चेक करते हैं तीसरी कॉर्ड हमारी कहाँ पे, तो इधर लगी मुझे वो थर्ड कॉर्ड हमारी, एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेता हूँ मैं। बिल्कुल हमारी वो थर्ड कॉर्ड यहीं पर ही है, यहाँ से सुन के देख लो आप। तो बस अब ये तीनों नोट्स जो हमारी सेकंड कॉर्ड के थे, इन्हें करूँगा मैं यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पर टैप करके रखूँगा, सिलेक्ट करा, बाहर टैप करा, इसको खींच के मैं लिया यहाँ पर और बाहर की तरफ कर दिया टैप। अब सुन के देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है हमारा। तो बस इसी के साथ हमारी सेकंड कॉर्ड का काम होता है पूरा लेंथ के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड कॉर्ड की तरफ, तो उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सेकंड कॉर्ड का निकाला। सबसे पहले मैं सी शार्प नोट से स्टार्ट करूंगा, अब एक बार सुन के देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। एकदम ऑफ साउंड, ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि भाई मैं तो हूं ही नहीं। डी देखते हैं, डी भी उभर के आ रही है एक तरीके से ऑफ की तरह, ये भी वो परफेक्ट नोट नहीं हो सकती। तो अब ई ट्राई करके देखता हूँ मैं इसके बाद। सिंपली इस नोट को पकड़ता हूँ यहाँ से और इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ ई पे, ये भी अलग ही साउंड कर रहा है ऐसे। तो ये भी वो नोट नहीं हो सकता। अब इसके बाद मैं एफ शार्प ट्राई करके देखता हूँ, तो ये ई के कंपेयर में थोड़ा हल्का सा ऑफ साउंड कर रहा था, मतलब उसी की तरह ये भी अलग ही उभर के आ रहा था टंग करके। इसके बाद जी ट्राई करके देखता हूँ, तो इन सब नोट्स में से मुझे अभी तक तो जी नोट ये ज्यादा प्यारा लगा, ठीक है, ऊपर वाले के साथ सही से ब्लेंड भी हो रहा था। इसके बाद ए भी ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे मुझे लग रहा नहीं ए होगा, ये भी हल्के में अलग साउंड कर रहा, क्योंकि ये वो नोट नहीं है। तो बस आपको ऐसे करके डिटेक्ट करना है, हल्के से या जोर से आपको साउंड करके बताएगा कि भाई मैं नहीं हूं। ये बी नोट भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो इन सब नोट्स में से जो सबसे बेस्ट लगा वो था जी, तो जिसको मैं ले आता हूं नीचे यहां पे जी पे। और अब बाकी नोट्स की तरह जैसे हमने मेजर माइनर का कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखा, उसी तरीके से मैं जी इस नोट का, जी नोट का भी मेजर माइनर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखूंगा। उसके लिए वही 1-4-3 वाला प्रिंसिपल, कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-4-3 याद रखना है और आप सिंपली मेजर कॉर्ड बना लोगे किसी भी नोट की। अब सुनकर देख लेते हैं कि कॉर्ड कैसा साउंड कर रहा है।
एक बार और सुन के देख लेते हैं। तो मुझे तो ये मेजर अच्छी लग रही है, एक बार मैं माइनर भी सुन के देखना चाहूंगा कि कैसा साउंड करती है। इसके लिए इसे लिया है नीचे, आप प्ले करके सुनते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ऑटोमेटिक ऑफ चलेगा, इसका मतलब ये माइनर नहीं है, मेजर ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिंपली मैं इसे बना देता हूँ मेजर, और बस हमने अपनी कॉर्ड बना लिया जो कि ऊपर वाले सॉन्ग के साथ भी ब्लेंड हो रही है। अब इस कॉर्ड की भी हम लेंथ देख लेते हैं। तो इसके लिए ये फोर्थ कॉर्ड हमारे कहाँ पे लग रखी है वो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इधर की तरफ लगी हमारी वो कॉर्ड यहाँ पे। एक बार मैं दोबारा आपको प्ले करके सुना लेता हूँ। तो बस यहीं पर ही लग रखी है, अब कन्फर्म हो चुका है हमारा। तो सिंपली मैं ये जो पीछे वाली मेरी थर्ड कॉर्ड थी, इसकी जो भी नोट्स है तीनों, इनको उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा जहाँ से स्टार्ट होगी मेरी फोर्थ कॉर्ड। इन्हें करा सिलेक्ट, लंबाई नहीं बढ़ रही तो इधर की तरफ एक नोट क्रिएट कर लूँगा। अब बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, वापस से सिलेक्ट, इसको स्ट्रेच करूँगा यहाँ तक। एक बार सुन के देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी इस कॉर्ड का काम भी पूरा हो चुका है। अब हम इस फोर्थ कॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इस फोर्थ कॉर्ड में क्या क्या नोट्स है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने बाकियों में करा स्केल के पहले नोट, जिससे मैं सी शार्प से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, और अब सुन के देखते हैं। इस बेचारे का तो मूड ही नहीं लग रहा, मेरे को हर चीज में ऑफ लग रही है ये वाली नोट। तो डी देखते हैं। डी भी हमें हल्के हल्के से बता रही है कि ना भाई मैं नहीं हूँ, ऊपर की तरफ जाओ। ये ई नोट सुन के देखते हैं। सब सही था, पर इसका जो ई नोट कट ये अलग ही उभर के निकल रहा था, तो ये नोट भी नहीं है वो। अब ट्राई करके देखते हैं एफ शार्प, एक बार दोबारा सुन के देखते हैं इस नोट को। तो पहले मुझे लगा क्या पता ये वो नोट होगा, पर ये भी वो नोट नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जी ट्राई करके देखता हूँ। ये बिट अलग ही साउंड कर रही, ये भी वो नोट नहीं है ऊपर की तरफ। अब इसको खिसका के लेके चले जाता हूँ ए पे। हाँ, अब कुछ वाइब्स आ रही है, इससे कुछ वाइब्स आई मुझे। एक और बार सुन के देखते हैं। एक बार और, एकदम स्मूथ प्यारे तरीके से ब्लेंड हो रही है। ऊपर बी भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। वैसे अब बी भी ठीक ही था, पर ये ज्यादा हाई साउंड कर रहा, तो इसके कंपेयर में मुझे ए ज्यादा अच्छा लगा। तो बस अब इस कॉर्ड के लिए हमारा जो नोट फाइनल हुआ है वो है ए। अब इसके बाद आपको पता है आगे करना क्या है, मेजर माइनर वाला खेल। सिंपली मेजर कॉर्ड बनाता हूँ सबसे पहले इसकी ए मेजर। ठीक है, अब एक बार सुन के देखते हैं इस मेजर को। तो सही साउंड कर रहा था मेजर, एक बार दोबारा। मतलब लाइन के हिसाब से ब्राइटी कॉर्ड सही लग रही है यहाँ पे, पर एक बार माइनर भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ी लो हो गई जो कि मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे तो मेजर ही ज्यादा सही लग रही थी। तो सिंपल मैं इस नोट को उठाऊंगा और से कर दूंगा ऊपर। और अब एक और बार सुन के देख लेते हैं इस कॉर्ड को, एकदम परफेक्ट। तो अब इसके बाद इसकी लेंथ की बारी आ जाती है कि कहाँ तक इसकी लेंथ चलेगी। तो इसके लिए सिंपली इसके बाद वाली मैं कॉर्ड कहाँ पे लगी वो सुन के देख लेता हूँ एक बार यहाँ से प्ले करके। तो इसकी लेंथ तो ज्यादा ही लंबी हो गई इस कॉर्ड की, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे लग रखी है हमारी कॉर्ड इधर की तरफ। तो बस अब क्या करता हूँ मैं, इन सभी नोट्स को एक साथ करूंगा सिलेक्ट। ठीक है, और इसकी पूंछ पकड़ के इसको यहाँ पीछे की तरफ खिसका के इसको कर लूंगा इतना छोटा यहाँ पे। एक और बस, हाँ यहाँ तक चाहिए हमें। एक बार और देख लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं आगे की कॉर्ड्स भी बना लूंगा। जैसे मैंने ये कॉर्ड्स बनाई उसी तरीके से मैं आगे की कॉर्ड्स भी बना लेता हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट तक सॉन्ग के कॉर्ड्स अपनी रेडी कर लिए, कुछ इस हिसाब से आप देख सकते हो कॉर्ड शीट में। तो मैं सिंपली यहाँ से आ जाता हूँ बाहर, यहाँ से भी आ जाता हूँ बाहर,
यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से पैटर्न रेडी हो चुका है। इसे प्ले करके मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा साउंड कर रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। बस अभी मैंने इतने ही पार्ट के लिए अपनी कॉर्ड बनाई है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई हमें इसी तरीके से कॉर्ड बनाते जाना है कि पूरे सॉन्ग की इसी तरीके से एक एक करके कॉर्ड बनेगी क्या, इसमें तो टाइम लग जाएगा बहुत। तो बिल्कुल नहीं, आपको पूरे सॉन्ग की एक एक करके इस तरीके से कॉर्ड बनानी नहीं है। आपको तब तक कॉर्ड बनाते रहना है जब तक आप कोई रिपीटेशन ना देखे पैटर्न में कॉर्ड का। अब रिपीटेशन से मेरा क्या मतलब है कॉर्ड के पैटर्न में, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉर्ड शीट खोल के मेरे को आपको ये सारे कॉर्ड दिखानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि मैं रिपीटेशन से किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब आपको इन कॉर्ड को एक एक करके दिमाग में याद रखना है और एक बार देखना है कि ये वापस रिपीट तो नहीं हो रही। मतलब अभी देखो ये कॉर्ड है बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया जी, ठीक है बी ए जी चला अभी, फिर इसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद जी, ठीक है अभी भी सही चल रहा है ए बी ए जी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद जी। तो देखा आपने रिपीट हुआ ना, मतलब एक बार ए बी ए जी था और फिर दोबारा यहाँ पे से जी के बाद से वापस यहाँ जी के बाद से ए बी ए जी स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या यहाँ से जहाँ पे मैंने ये पॉइंटर लगाया अपना, यहाँ से क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, मतलब एक रिपीट लूप में चल रही है चीज़। मतलब ये जो चार कॉर्ड है ए बी ए जी, यही पूरे सॉन्ग में लूप की तरह एज इट इज़ चल रही है। तो सिंपली मैं यहाँ से आता तो बाहर, तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर है आप देख सकते हो 17 सेकंड 7 मिली सेकंड पे लग रखा है, ठीक है मेरा ऑटोमेटिक मैंने कॉर्ड शीट में लगाया तो यहाँ पे पॉइंटर ऑटोमेटिक लग रखा है। अब आपको करना है कि जो भी हमारा रिपीटेटिव पोर्शन था ना कॉर्ड्स का जो पैटर्न था, इसको हम कर लेंगे छोटा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लूप में चल रहा है बार बार वही चल रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा सिंपली इधर से आ जाऊँगा पीछे की तरफ और इसको पीछे की तरफ से कर लूँगा छोटा, ठीक है अभी आप देख सकते हो 17.7 सेकंड में था मेरा पॉइंटर, इधर से करूँगा छोटा और 17.7 सेकंड्स तक मैं इसको कर लूँगा छोटा। तो यहाँ पे ये रहा 17.7 सेकंड, यहाँ तक कर लिया मैंने इसे छोटा। तो बस इतना मैंने हटा दिया, उसका फालतू पार्ट था रिपीटेटिव पार्ट था। इसके बाद हमें करना क्या, इसके बाद आपने देखा कि स्टार्टिंग का यहाँ पे से जो मेरी ये चार कॉर्ड्स का लूप था जो कि थी मेरी ए बी ए जी, ए बी ए जी जो मेरी ये जो कॉर्ड्स है इन्हीं के लूप चल रहा था। बाकी स्टार्टिंग में आपको तीन कॉर्ड्स भी और देखने के लिए मिल रही है, तो इन तीन कॉर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना मुझे उसमें लूप में। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीन कॉर्ड को स्प्लिट करना पड़ेगा इन चार कॉर्ड के साथ। तो सिंपली मैं अपना कर्सर या पॉइंटर ले आऊँगा यहाँ पे और स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करके इनको कर लूँगा स्प्लिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के मेरे जो तीन कॉर्ड्स थी ये अलग हो चुकी है, मेरी बाद के चार कॉर्ड्स से ये चार कॉर्ड्स अलग है मेरी यहाँ पे। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, ये जहाँ पे चार कॉर्ड खत्म हो रही है इसके पॉइंटर को यहाँ पे ले आऊँगा और इन चार कॉर्ड का मैं बना लूँगा लूप क्योंकि लूप में ही चल रही है चार कॉर्ड्स। और बस हमारा काम हो चुका है पूरा, क्योंकि यही चार कॉर्ड्स है जो कि कंटिन्यूसली सॉन्ग में पूरी तरीके से चल रही है। मैं आपको प्ले करके भी सुना देता हूँ। अब इतना पोर्शन तो हमने वैसे भी बना लिया था जब हमने इसको लूप नहीं चलाया था, तो मैं इसको करता हूँ एक्सटेंड और आगे भी आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ कि ये देखो आगे भी ये काम कर रही है ये लूप। और अब इसे यहाँ से मैं सिंपली करता हूँ प्ले। बस ये था तरीका कैसे आप किसी भी सॉन्ग की कॉर्ड्स को इजीली बना सकते हो खुद से मैनुअली। अब स्टार्टिंग में आपको ये तरीका डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपके कान इतने ट्रेन नहीं हो पाएंगे कि वो डिटेक्ट कर पाए कि आप जो नोट लगा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है कॉर्ड बनाने के लिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपने मेलोडी क्रिएशन एकदम अच्छी तरीके से कर रखी है तो आप इसे भी इजीली कर सकेंगे कुछ प्रैक्टिस करने के बाद। बाकी मैंने आपको वही तरीका बताया जिस तरीके के थ्रू मैं खुद कॉर्ड बनाता हूं अपने किसी भी रीमेक के लिए। बाकी कॉर्ड क्रिएशन के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट या कुछ जादू
कॉर्डों की छड़ी मिल जाएगी जिससे आप कोई भी कॉर्ड इजीली डिटेक्ट कर पाओगे या फिर बना पाओगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो और कॉर्ड्स क्रिएट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप आगे जाके अपनी ओरिजिनल सॉन्ग की कॉर्ड्स बनाओगे या फिर किसी रीमेक की कॉर्ड्स बनाओगे तो आप इजीली उसे बना पाओगे खुद से। आपको फिर किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी सॉन्ग को रीमेक करते हुए या फिर अपना खुद का सॉन्ग बनाते हुए। बाकी इसी के साथ हमारे लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इसे कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे हम किसी भी वोकल ट्रैक या फिर वोकल्स की मदद से कॉर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।